देखो, मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट यार रिसेंटली मैंने तुम लोगों से फेसबुक पे पूछा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, तो वहां पे सारे लोग बिग बॉस। डोंट वरी, अभी वो पोस्ट मैंने डिलीट कर दिया तो तुम लोगों को मेरे फेसबुक पेज पे नहीं मिलेगी। कीर्ति सर, मैं आपके हर वीडियो और पोस्ट में कमेंट करती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी रिप्लाई नहीं देते। आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है क्या? तो ये वीडियो कोई रोस्ट या वन साइडेड ट्रोल नहीं होने वाली। मैं इस शो बिग बॉस के बारे में बात करूंगा और तुम लोग के सामने सारे थॉट्स और फैक्ट्स रख दूंगा, फिर तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लेना कि तुमको बिग बॉस देखना चाहिए या नहीं। क्योंकि यार बिग बॉस पे जितना मजाक बन सकता था वो ऑलरेडी बन चुका है, सारे रोस्टर्स ने मार ली है बिग बॉस की अच्छे से। तो जनरली मैं तो यार टीवी नहीं देखता एंड मैंने कभी बिग बॉस भी नहीं देखा है, सो अभी मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जो भी मुझे पता चला है बिग बॉस के बारे में इंटरनेट और आर्टिकल्स से। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट बिग बॉस, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो फेमस तो है बट यार कुछ ऊटपटांग हरकतें करके फेमस हुए हैं। स्वामी ओम, डॉली बिंद्रा, ये लोग क्या करते हैं ये तो तुम्हें पता नहीं होगा, बट एक ना एक बार कहीं ना कहीं तो तुमने इन लोगों का नाम जरूर सुना होगा। Then I noticed इनका show description, it's a reality show which includes contestants staying together and completing certain tasks given to them by the big boss. Okay, so पहली बात तो ये show बिल्कुल भी realistic नहीं है। अगर ये realistic होता तो ये लोग ऐसे हरकतें नहीं करते। यार seriously थोड़ा सा logically सोचो, कौन करता है ऐसे यार? Until तुम्हारा कोई mental defect ना हो। And what more I noticed about Big Boss is कि तुम चाहे जितना भी बिग बॉस को हेट कर लो, पर जो भी बिग बॉस के क्रिएटर्स है ना, दे आर जीनियस, यू हैव टू एडमिट दैट, बिकॉज इन लोगों ने पूरी तरह से हमारे मेंटेलिटी को स्टडी किया है। एज एन इंडियन हमारी एक क्यूरियोसिटी होती है झगड़े देखना, दूसरों को जज करना, ये क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉमन फ्रेज चार लोग क्या कहेंगे या शर्मा जी क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रस्ते में चार पांच लोग इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं तो तुम जाते जाते उनको पीछे मुड़ के देखते हो या नहीं? तो ये लोग यही करते हैं, हम इंडियंस के दिमाग की इस खुजली को टारगेट करके दे मेक ह्यूज मनी आउट ऑफ इट। अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि दे आर रॉन्ग, अब वो टीवी के अंदर से आके तो तुमको नहीं कहते ना कि बिग बॉस देखो, इट्स ऑल इन योर माइंड। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल जिनको बिग बॉस पसंद है दे आर सो मच ऑब्सेस्ड। लाइक ठीक है ओके, जिन भी लोगों को बिग बॉस देखना पसंद है, जस्ट टेल मी वन थिंग, बिग बॉस देख के तुम क्या सीखते हो? ना, जस्ट टेल मी, गाली गलौज और लोगों से मिसबिहेव कैसे करते हैं? नाउ डोंट गिव मी दैट बुलशिट कि हम तो बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। सी, एंटरटेनिंग शोज बहुत सारे अवेलेबल हैं, एंड लाइक अगर तुमको इतने सारे एंटरटेनमेंट शोज के ऑप्शन से बिग बॉस पसंद आता है, देन यू गॉट अ सीरियस प्रॉब्लम ब्रो, तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है। एंड अगेन, इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, हम जो भी देखते हैं जो भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उनके तरफ बिहेव करने लगते हैं। तो यार अगर देखना है तो कुछ अच्छे शोज देखो, इन्फॉर्मेशनल चीजें देखो, ये सब शोज जिनके पास बहुत सारा खाली टाइम है, हाउसवाइफ्स वगैरह, उनके लिए सही है, लेकिन तुम अभी जवान हो यार, अपना टाइम ऐसे फालतू शोज वगैरह में वेस्ट मत करो। सो दिस वॉज माई ओपिनियन अबाउट बिग बॉस, और मुझे तुम अपने ओपिनियन जरूर बताओ नीचे कॉमेंट बॉक्स में। मैं फिलहाल अपने हॉलीडेज में वेकेशन के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बनाई, तो यार इस बात पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तुम्हें। बहुत जल्दी मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।